देख पहला टॉपिक है हम लोग का कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ हाइट। अब ये वाला न्यूमेरिकल ना हमने पहले भी किया होगा कि यहाँ पे एक हाइट है और इस हाइट से क्या किया गया, हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका गया एक बॉल। तो ये इसका पाथ कैसा होगा, इस तरीके का कुछ होगा। अब हमें यहाँ पे हर चीज़ कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगा, किस एंगल से वो है यहाँ पे गिरेगा और इसको उसकी स्पीड क्या होगी पहुँचने में। ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि इसके पास दो वेलोसिटी है, एक है इस तरफ की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक क्या है वर्टिकल। वर्टिकल वेलोसिटी भी तो होगी ना, नीचे भी तो आ रहा है ना वो। तो ये क्या हो गया, मोशन इन टू डायमेंशन। आगे बात समझ में। अब मोशन इन टू डायमेंशन है तो क्या करेंगे, अच्छा इधर वाली जो वेलोसिटी है क्या इसको कोई कंपोनेंट, कोई ऐसा पार्ट है जो इसको बढ़ा या घटा रहा होगा। इस तरफ उसको कोई बढ़ा घटा नहीं रहा है, लेकिन इस तरफ आते समय ग्रेविटी उस पर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यही बातें हो रही हैं। तो देखो ये वेलोसिटी वी था, ठीक है वी वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। तो उसका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी थी, कुछ भी नहीं। मतलब अगर मैं बोलूं कि वी एक्स क्या है, वी है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वी है, क्योंकि हमने दिया था उतना। और y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u लिखा है हमने, y डायरेक्शन में ये कितना है, जीरो। तो मैं हम लोग ले लेते हैं कि देखते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, उतना ही समय है इसके पास यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। जितना देर ये हवा में रहेगा उतना ही समय तक ये ट्रैवल करेगा। तो देखना है कि हवा में कितना देर रहेगा। तो y डायरेक्शन में बताओ, अलोंग y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में अपन अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या बोला कितना है, जीरो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अच्छा ये हाइट मान लो h होगी, तो हमने ले लिया कि s इज इक्वल टू, मतलब h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि नीचे आ रहे हैं वर्टिकल पार्ट है। u कितना हो जाएगा, जीरो प्लस हाफ g, और t स्क्वायर हमें नहीं पता और हाइट हमें मान लो पता होगा, हम लोग फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। तो यहाँ से t मिल सकता है क्या, टू h अपॉन g का क्या होगा, रूट। ये क्या मिला हम लोग को, टाइम। ये कौन सा टाइम है, अलॉन्ग y डायरेक्शन नहीं, पूरा टाइम, टाइम हमेशा सेम होता है, ठीक है, चाहे वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा हो, हमने ऐसा लिया है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, इतना देर ये हवा में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, t इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बात तो समझ में आ गई, ठीक है, कि टाइम कितना होगा। दूसरा जो पार्ट है वो क्या होता है, वो होता है कि ऐसा करने में वो कितना दूर चला गया होगा, ठीक है, कितना दूर जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, मतलब इतना ही समय मिला है इसको ऐसा जाने के लिए भी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। बताओ ये फॉर्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और इसका एक ही फॉर्मूला होता है ये वाला। वेलोसिटी कितनी थी उसकी हर बार, वी। टाइम कितना है उसके पास फ्लाइट वाला, टू एच अपॉन जी, यही टाइम है उसके पास, यही हमारा फॉर्मूला है कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया। मान लो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम डी बोल देते हैं, तो ये डी कितना होगा, तो डी इज इक्वल टू होगा वी और रूट ऑफ टू एच अपॉन जी। आ गया समझ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ ये समझ में आया। अच्छा अब है कि किस एंगल से वो गिरेगा वहाँ पे, ठीक है, मान लो ये ऐसे गिरेगा तो ये एंगल कितना बनाएगा, ये भी तो हम लोग को फाइंड करना है। तो तीसरा जो पार्ट है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। दो पार्ट हमने अभी तक फाइंड किया, तीसरा हम लोग देखो क्या फाइंड कर रहे हैं, तीसरा हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि एंगल विथ विच विथ द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, किस एंगल से वो जमीन को हिट करेगा। मुझे बताओ अगर मेरे पास यहां पे दो पार्ट है, दो कंपोनेंट है, कौन कौन, एक है हमारा ये वाला डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी, और एक कौन है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो क्या इसका वेक्टर से आप ये रिजल्टेंट निकाल सकते हो, हमने पढ़ा था कैसे निकाले बताओ। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एंगल निकालना है हमने, ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करते हो बताओ, तो टैन अल्फा
हम इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालेंगे। बताना मुझे वेक्टर वाला फॉर्मूला, ठीक है। टैन अल्फा जिसके साथ एंगल लिए वो कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे अकेला होता है। अकेला किसके साथ एंगल ले रहे हैं हम लोग, वी के साथ, वेलोसिटी के साथ। तो हमने ले लिया वी प्लस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है उसकी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो पहले एक काम करते हैं कि हम पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैलकुलेट लिख लेते हैं कि वेलोसिटी वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी जब वो वहां पे समझो हमने अज्यूम किया तब वहां पे वेलोसिटी उसकी क्या हो रही होगी। तो हमने ले लिया देखो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो जीरो था, वर्टिकल वाला पार्ट चल रहा है, ये जीरो है। एक्सेलरेशन कितना है, g है, और टाइम हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था, 2h अपॉन g। ये क्या था, फाइनल वेलोसिटी थी, कौन सा, ये वाला, ये तो हमको पता है। तो आप निकाल सकते हो अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, वी, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है वो वाला पार्ट हम लोग को लेना है यहाँ पे। ये कितना आएगा, जी टू एच अपॉन जी। आप इसको ये कर सकते हो, यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये वाला कैसे किया। अच्छा यहाँ पे क्या लिखते हैं बताओ, यही वाला पार्ट लिखते हैं, मतलब टू एच जी, और यहाँ क्या लिखते हो, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होता है, कॉस थीटा। मुझे बताओ थीटा कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2hg रूट के अंदर, और ये तो 1 आ गया जो कि हमें दिखेगा नहीं, और यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट ये आएगा v tan अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस। इस एंगल से वो क्या कर रहा होगा, हिट कर रहा होगा किसको, जमीन को। आ गया समझ में। तो इतने पार्ट हैं हमने यहाँ पे, सबको हेडिंग देके यहाँ पे लिखो। ओके ये सारी बातें हमें कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट करें, देख पहले तो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का बड़ा आसान तरीका है कि दे बस देख लो कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में इसको कितना समय लगेगा, ठीक है। और ये गिर रहा है, और गिर रहा है मतलब कि उसकी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो कौन सा लगाऊं टाइम फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू लगा दें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब यहाँ पे 100 है, यू जीरो है, और हाफ ए मतलब कितना, 10, और टी स्क्वायर 5 से कितना आ गया, 20, और 20 का रूट ये हो गया आपका टी। टाइम मिल गया हम लोग को इतना सेकंड। अब इतने सेकंड में देखना है हम लोग को कि वो क्या चाहिए हम लोग को, वेलोसिटी विद विच हिट द ग्राउंड, ठीक है। अच्छा हम देखते हैं कि जब वो नीचे पहुंचा होगा इस तरीके से तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ओके तो v इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी। वी कितना हो गया नहीं पता, u जीरो है, और a कितना है, 10, और टाइम हमें पता है जो कि है रूट 20। रूट 20 का मतलब होता है कितना, 2√5। तो 10 × 20 = 20√5। ये क्या आ गया आपकी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है, ये है वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल तो हर जगह कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ कि ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी मतलब एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी ये वाली होगी ना। लास्ट टाइम हमने एंगल कैलकुलेट किया था, अभी हमें आर चाहिए। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे 20√5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर करोगे तो 20 आएगा, यहाँ पे बचेगा 1+√5 मतलब 5, 20 और √6। रूट सिक्स की वैल्यू कितनी होती होगी, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 2.3 ले लेते हैं, ये अप्रॉक्स है, बाद में आप देख लेना इसको। ये आता है 46 मीटर पर सेकेंड। ओके अब अगला क्या बोला था हमने कि किस एंगल से वो हिट किया है, तो अगेन ये वाला एंगल बताना है मुझे। तो बताओ क्या लिखूं, टेन अल्फा इज इक्वल टू जिसके साथ लगा हुआ है वो कहाँ लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये कितना लिखूं, 20, और ये कितना आता है, 20√3 का था कि √5 था, √5। यहाँ साइन थीटा आने वाला है, साइन 91 होता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे जीरो, मतलब ये ऐसा रहेगा, एंड दिस वन इज टैन इनवर्स ऑफ, हाँ
रूट फाइव, ये हमारा क्या है एंगल। एक बार बताओगे मुझे ये एंगल किस चीज का है? रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, यही था। बस कॉपी कर लो इसको, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक और चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज लास्ट। कोई मुझे बताओगे कैसे करेंगे? टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दें। चलो जल्दी से लिख लेते हैं फटाफट। तो क्या बोला आपने कि एक्स इज इक्वल टू, या डी लिख देता हूँ, डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों लगा रहा हो ये वाला फॉर्मूला? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो यही फॉर्मूला लगता है बस। तो 20 और टाइम कितना था? टाइम था हमारे पास रूट 20 मतलब इंटू 2 और रूट 5, मतलब ये आ गया 40 रूट 5। डिस्टेंस है ना, मीटर में रहेगा ये। आ गया लास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। मुझे बताओ ये कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें y इज इक्वल टू समथिंग से स्टार्ट किया जा सकता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी से स्क्वायर कर सकते? तो s मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वर्टिकल वाला पार्ट y, y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू टी, यू तो ऊपर से नीचे जब गिर जाए तो जीरो है, चल मैं जीरो लिख देता हूँ, प्लस हाफ जी और टी स्क्वायर होगा ये। t के बारे में बताओ मुझे कुछ कि t कितना होता है? तो t इज इक्वल टू कितना होगा देखो, t इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, x इज इक्वल टू v इंटू t होगा। सो t इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो? x बाई वी, बस ये वाला t यहाँ पे पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ g और t मतलब कितना? x बाई वी का स्क्वायर। बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है? 2v, या चलो इधर ही लिखता हूँ, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर ठीक है। ये हमारा क्या है इक्वेशन जिसमें g हमें पता होता है, वेलोसिटी हम लोग को दिया हुआ होता है, और x यहां पे कितना है? x, x मतलब यह इक्वेशन का पार्ट है ये। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा v स्क्वायर है क्या? ओके ओके। अब देख इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ पे ये वाला काम आएगा। जैसे बोला किसी ने कि देख जब ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 मीटर कवर किया हुआ होगा तब उसकी हाइट कितनी होगी? समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ? जब ये 2 मीटर पहुंचा होगा हॉरिजॉन्टली तब उसकी हाइट कितनी होगी? कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो बताओ कि क्या करूँ, वाई इज इक्वल टू पूछा है आपसे, ठीक है, वाई पूछा है आपसे, तो यहाँ पे पुट कर दें, जी कितनी थी? 10, मान लो वेलोसिटी होगा 10 हमने दिया है वेलोसिटी, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। और ये कितना बोला आपको, x कितना? 2 या 4, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, ये और यहाँ से कितना आ गया 5, मतलब 0. कितना आ गया? 0.2 मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर। डेटा ऐसा इसलिए ऐसा आ रहा है। तो हम लोग इससे क्या फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम लोग, हमें दे दिया जाए यहाँ पे कि देखो वो इतना नीचे आया है अभी तक, ठीक है, तो बताओ कि वो इधर कितना गया होगा, क्योंकि साथ में तो ये ऐसे चल रहा है ना ऐसे, तो वो नीचे भी जा रहा है और साथ साथ उधर भी जा रहा है। तो अगर मान लो ये दे दिया कि अभी तक वो इतना नीचे पहुँचा है, तब तक वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा हॉरिजॉन्टली? कर सकते हैं कैलकुलेट कैसे, इस तरीके से, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, ये इसका पाथ है, और ये जो पाथ होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। ये मैथ में पढ़ाऊंगा मैं कि पैराबोलिक पाथ क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, ठीक है। बस अभी यहाँ पे नाम याद रखना है कि ये कौन सा पाथ है, पैराबोलिक।